जय श्री कृष्ण। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आज विद्या अध्ययन आदि में सफलताएं प्राप्त होगी एवं नए राजकाज में आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को मानसिक तनाव बेचैनी भी आपको आज के दिन हो सकती है अथवा आपके किसी काम में कोई समस्या अड़चन आ सकती है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को भाग्य का उदय हो सकता है, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे एक अथवा कोई गुडलक शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन आज माता पिता घर परिवार वालों से अच्छे संबंध रहेंगे, बच्चों से, मित्रों से शत्रु परास्त होंगे, कठिन परिश्रम करने पर कोई नई सफलता हाथ लगेगी। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन अटका हुआ धन, अटका हुआ व्यापार आपका आज प्रारंभ हो सकता है अथवा धन प्राप्त हो सकता है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन व्यापार आदि से संबंधित आज आपको किसी मित्र अथवा भाई के माध्यम से मिल करके आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपको भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज आप कोई किसी पद पर प्रतिष्ठित थे तो नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग भी आपको आज के दिन बन रहे हैं। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को भाग्य का उदय एवं आज आप व्यापार आदि से संबंधित कहीं अन्यत्र भी जा सकते हैं। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको शनि साक्षाति महादशा चल रही है जो कि जाते समय विशेष शुभकारी फलकारी लाभ प्राप्त कराती है। नीलम नाम कृत धारण करें। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन कोई जमीन अथवा मशीनरी से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन कोई मांगलिक शुभ सूचना अथवा कहीं आप जा सकते हैं अथवा कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा आज के दिन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।